अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर। माय नेम इज मिस कुरतुलन। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेसन एंड फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश बुक, लेसन नंबर वन, चैप्टर नंबर वन, होम एंड स्कूल, पेज नंबर 8। नाउ ओपन योर पेज नंबर 8। Yes, there are some difficult words, words meaning shrugs. To raise the shoulders, अपने कंधों को ऊपर थोड़ा सा चढ़ाना, sets off, to start a journey, किसी सफर की तैयारी करना, straps, I strap, strip of flexible material, ऐसी कोई चीज जो बहुत आराम से फ्लेक्सीबल हो, right, जिसको आप आराम से मोड़ लो, सैटल, अ बैग कैरिड ऑन द शोल्डर बाय अ लॉन्ग स्ट्रैप, ऐसी कोई चीज जो आप अपने शोल्डर्स पे डाल के लेके जाए, लाइक योर स्कूल बैग, स्नैचेस, क्विकली सीज समथिंग इन अ रोड और ईगर वे, कोई चीज जल्दी से किसी से छीन लेना गुस्से में या फिर ईगर वे, मतलब तेजी से, रेटली टू मेक अ शार्प नॉकिंग साउंड, जैसे कि गाड़ी की आवाज नहीं आती घर 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 के, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो कैसी आवाज आती है, उस आवाज को वेटली कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, चेंज और कॉज टू चेंज डायरेक्शन, किसी वजह से कोई डायरेक्शन को चेंज कर देना, बम्प्ड, मूव्ड और ट्रेवल विथ मच जोल्टिंग, कहीं से किसी तरफ रवाना हो जाना, टोल्डिंग, स्प्रिंग, स्पिन क्विकली और लाइट राउंड, मतलब कि हल्का सा घूमता हुआ घुमाना या टर्न लेना। So now this is open your page number, right, this is one, chapter number one, home and school. Now look at this picture. What do you see in this picture? Yes, he is a boy or a girl. Where they are going to? Yes, they are going to school. ओके, नाउ टेल मी हाउ डू यू गेट द स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं, बाय वॉक, ट्रैवल बाय बस और गो इन अ कार, हाउ डू यू गेट द स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 10, यस, हियर इज अ बॉय और अ गर्ल, दे आर रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल, हिज मदर, yes, stories with familiar setting, this story is about a boy called Abdullah, yes, a boy name is Abdullah, this story is related to Abdullah who lives in a mountain valley in Malaysia, you know mountain valleys, village, sorry, mountain village, गांव की पहाड़ियों में मलेशिया में रहा करता था। अब्दुल्ला कैचेस बटरफ्लाइज एंड सेल्स देम टू अ लोकल क्राफ्ट शॉप, अब्दुल्ला क्या करता था, बटरफ्लाइज को पकड़ता था और उनको एक लोकल क्राफ्ट शॉप में जाकर सेल्स आउट कर दिया करता था, बेच दिया करता था। ही यूजेस द मनी टू बाय स्पेशल पोरेज फॉर हिज ग्रैंडफादर, पोरेज का मतलब होता है दलिया, ये इस किस्म का दलिया होता है जब बुजुर्ग लोग अपने दांतों से सही से चबा नहीं पाते, खाना सही से खा नहीं सकते, उस वक्त हम पोरेज यूज करते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट फूड होता है, जिसकी वजह से बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो आराम से खा सकते हैं। तो वो अपने पैसे कहाँ यूज करता था, जब वो बटरफ्लाइज को जाके सेल आउट करता था तो जाहिर उसको पैसे मिलते थे, और वो उन पैसों को कहाँ खर्च किया करता था, वो क्या बाय करता था, अपने ग्रैंडफादर के लिए पोरेज बाय करता था। अब्दुल्लास मॉर्निंग, अब्दुल्ला की मॉर्निंग कैसी होती है, यस, ईच डे एज अब्दुल्ला सेट्स ऑफ फॉर स्कूल, हर दिन की तरह रोजाना अब्दुल्ला कहाँ जा रहा है, कहाँ की तैयारी कर रहा है, स्कूल जाने की, ही श्रिक्स इन टू द स्ट्रैप्स ऑफ हिज सैटल, वो अपना स्कूल का बैग उठाता है और उसकी स्ट्रैप्स को अपने कंधों पे चढ़ाता है, एंड स्नैचेस ऑफ हिज बटरफ्लाई और नेट, क्या उठाता है अपने हाथों में, जिससे वो बटरफ्लाईज को पकड़ता है, नेट, बटरफ्लाई नेट,
from beside the door. Door से वो वहाँ से उठाता है. His mother puts in papaya and banana and flat pancake for his lunch. उसकी मम्मा उसको क्या खाने के लिए देती हैं? फ्रूट्स खाने के लिए देती हैं, पपाया और बनाना और फ्लैट पैनकेक्स. शी स्पोथ हिज हियर एंड टेल्स हिम टू स्टडी हार्ड एंड लिसन टू द टीचर. वो अपने बेटे को क्या सजेस्ट करती हैं कि स्कूल जाना और वहाँ जाकर टीचर को गौर से सुनना और खूब मेहनत करना. आपकी मम्मा बाबा भी आपको समझाते होंगे, लिसन टू द टीचर वेरी केयरफुली, लर्न समथिंग, डू स्टडी, है ना, कहती होंगे ना. बिकॉज शी वॉन्ट्स हिम टू डू बेटर देन वी बास्केट एंड कैच बटरफ्लाइज फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. क्योंकि वो क्या, मदर क्या चाहती हैं कि उसकी, उसका जो बेटा है वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सके. बट ग्रैंड फादर रीचेज फॉर हिज हैंड एज ही इज गोइंग आउट द डोर एंड व्हिस्पर इन हिज ईयर. फिर ही इज द ग्रैंड फादर यू सी हियर एंड शी इज द मदर, ओके, एंड ही इज द अब्दुल्ला. सो ग्रैंड फादर किसके पास पहुंचते हैं? अब्दुल्ला के पास पहुंचते हैं. और विस्पर का मतलब होता है कान में जरगोशी करना, कानों में आहिस्ता आहिस्ता बातें करना. उसके ग्रैंड फादर होते हैं, उसके पास पहुंचते हैं और उसके कान में जाकर बोलते हैं, कैच मिया बटरफ्लाई, मेरे लिए आज बटरफ्लाई पकड़ना. टुडे अब्दुल्ला आप एक ग्रीन बटरफ्लाई इफ यू कैन, अगर हो सके तो ग्रीन बटरफ्लाई पकड़ना. एंड अब्दुल्ला नोज दैट ग्रैंडफादर इज हंग्री फॉर द पॉरेज. क्योंकि अब्दुल्ला जानता था कि उसके ग्रैंडफादर किस चीज के लिए भूखे हैं, पॉरेज खाने के लिए. वो क्या खाना चाहते हैं? पॉरेज खाना चाहते हैं, दलिया. दैट ही लाइक सो मच, क्योंकि उनको वो बहुत ज्यादा पसंद है. बिकॉज हिज टीथ आर ऑल ग्रोन, क्योंकि उनके दांतों मुंह में अब दांत मौजूद नहीं है, उनके दांत सारे गिर चुके हैं. अब्दुल्ला रोड डाउन अर्ली टू द टाउन एज यूजुअल. अब राइट रोड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द राइट. अब्दुल्ला राइट करता हुआ वहां पहुंचा टाउन की तरफ जितनी जल्दी हो सके. इन द रेडली ओल्ड येलो स्कूल बस, हियर यू सी द स्कूल बस, येलो कलर स्कूल बस. रेडली ओल्ड येलो, रेडली ओल्ड येलो मीन्स दैट, रेडली मीन्स जब कोई गाड़ी आवाज करे. और पुरानी गाड़ियां आपने देखा होगा जो ओल्ड बसेस होती हैं वो ज्यादा आवाज करती हैं. तो इन द रेटली ओल्ड येलो स्कूल बस विद द टॉल ब्लैक राइटिंग ऑन इट्स साइड. हियर यू कैन सी टॉल राइटिंग SEKOLAH सेकुला. द टॉल ब्लैक राइटिंग ऑन इट्स साइड सेकुला. इट सेज स्कूल, दैट मीन्स स्कूल. इसको किस तरह पढ़ते हैं? स्कूल. एज द बस बम्प्ड, जैसे ही बस अपनी सफर पर रवाना हुई. एंड स्वर्ट डाउन द माउंटेन, और जब वो माउंटेन की तरफ चली. अब्दुल्ला केप्ट वॉच आउट ऑफ द विंडो, और अब्दुल्ला की निगाहें कहाँ पे थी? खिड़की से बाहर थी. व्हाई, व्हाई डिड अब्दुल्ला कीप हिज आईज आउट ऑफ द विंडो? जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच द, ही वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई. ट्रेलिंग हिज नेट जेंटली इन हिज हैंड. विच टाइप ऑफ नेट? यस, बटरफ्लाई नेट. ही हैड बटरफ्लाई हैंड, बटरफ्लाई नेट. तो ट्रेलिंग हिज नेट, अपनी नेट को मोड़ते हुए अच्छी तरीके से अपने हाथों में उसने क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है. होपिंग टू बी लक्की इनफ टू सी अ लार्ज, और इस उम्मीद के साथ कि वो आराम से कोई अच्छी सी बड़ी सी बटरफ्लाई को कैच कर लेगा. प्राइड बटरफ्लाई, जो बहुत शानदार होगी. अब्दुल्ला स्टडीड हार्ड, अब्दुल्ला बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत से पढ़ता है. एज हिज मदर टोल्ड हिम, जैसे कि उसकी मम्मा ने उसको समझाया था और बताया था. ही स्टडीड मैथ्स इंग्लिश एंड फार अवे कंट्रीज. वो क्या क्या पढ़ता था? मैथ्स इंग्लिश और दूसरी कंट्रीज के बारे में, जो कंट्रीज उससे थोड़ी सी उस जगह से दूर हो. ही रोट केयरफुली इन हिज बुक एंड लिसन टू मिस्टर गिनियन. मिस्टर गिनियन इज द वॉज द टीचर ऑफ द अब्दुल्ला. सो ही रोट केयरफुली, वो बहुत केयरफुली लिखता था, मतलब बहुत अच्छे से लिखता था सोच समझ कर. एंड लिसन टू हिज टीचर, और अपने टीचर को बहुत गौर से सुनता था. बट All the while he kept on one eye watching out the window for a butterfly from grandfather.
और उसके बाद भी वो अपनी नजरें कहाँ रखता था? विंडो के बाहर. क्या देखने के लिए? बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाइज. वाई? नाउ टेल मी द आंसर ऑफ यू क्वेश्चंस. वाई डिड ही वॉन्टेड टू वाई डिड ही कीप हिज आईज आउट ऑफ द विंडो? यस, बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाइज. वाई डिड ही कैच द बटरफ्लाई? Because he got the butterflies for his grandfather. What did he do when he sell the butterflies? Yes, he sold the butterflies and for buying a porridge for his grandfather. So hope you understand the chapter. Think about it and read it again at your home and try to explain with yourself in front of your parents. Okay, Allah Hafiz. Thank you for learning here.